भारत को किसानों की भूमि कहा जाता है, जिसका कारण यहाँ की कृषि प्रधान संस्कृति दिन रात एक कर माटी को सोने में परिवर्तित कर रहे धरती पुत्र भारत के मूल शिल्पकार माने जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी थाली में सजने वाले विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के चटकारे लेने के दौरान भले ही हम अन्नदाताओं को याद ना करते हों, पर हम ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब इन्हीं के देन है। 14 से 15 जनवरी के बीच भारतीय भूमि नाना प्रकार के व्यंजनों से सजने वाली है, जिसकी तैयारी आज से ही भारत के सभी प्रांतों में शुरू हो चुकी है। उत्तर से लेकर दक्षिण सभी दिशाएं मौसम की करवट के साथ भारतीय संस्कृति की सौंधी सुगंध लिए खिल उठने के लिए तैयार हैं। dailynews360.com में आज हम लेकर आए हैं मकर संक्रांति के दिन सतरंगी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वाद की कौन कौन सी महक आने वाली है। विविधता में एकता प्रदर्शित करते भारतीय त्योहारों की असल झलक मकर संक्रांति के माध्यम से देखी जा सकती है। उत्तर भारत के हरियाणा पंजाब प्रांत में जहां इस पर्व को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में दान व बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहा जाता है। इस अवसर पर सिख समुदाय तिल के बने गजक व रेवड़ियों के आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। साथ ही पारंपरिक मक्के की रोटी सरसों का साग भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश व बिहार में इस दिन काली दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी के साथ साथ इस दिन बिहार में दही चूड़ा तिलकुट भी खाए जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व मनाने में भारत का पूर्वोत्तर प्रांत भी किसी मायने में कम नहीं है। बंगाल की बात की जाए तो यहाँ प्रातः स्नान के बाद तिल दान करने की प्रथा है। इस दिन हर घर में स्वादिष्ट पीठों पारंपरिक व्यंजन को बनाकर तैयार किया जाता है। दूध गुड़ व चावल के आटे से बने ये स्वादिष्ट पीठ वाकई लाजवाब होते हैं। साथ ही इस दिन खजूर गुड़ का लुत्फ उठाया जाता है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी मकर संक्रांति का यह पर्व सांस्कृतिक दृष्टि से काफी मायने रखता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक व्यंजनों के साथ लोक कथाओं में भाग लेती हैं, जिनमें पुरुष भी उनका साथ बढ़ चढ़ कर देते हैं। किसानों का के त्योहार मकर संक्रांति के धार्मिक पारंपरिक पहलुओं के बाद इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी जानना जरूरी है। अन्य दृष्टि से यह पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन सूर्य धनु राशि के स्थान से हटकर मकर राशि की ओर बढ़ता है। सूर्य की इसी उत्तरायण गति के कारण इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है।